नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कर्नाटक के JDS नेता और पूर्व विधायक अप्पाजी गौड़ का 67 वर्ष की उम्र में निधन। कोरोना के लिए लीक से हटकर समाधान ढूंढेगी भारत अमेरिका की 11 संयुक्त टीमें। नरेंद्र मोदी .in का ट्विटर अकाउंट हैक, हैकर ने बिटकॉइन में मांगा दान। महाराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी की खाई में गिरने से मौत। NCRB के मुताबिक पिछले साल 32,563 दिहाड़ी मजदूरों और 10,281 किसान खेतीहर किसानों ने की आत्महत्या। मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, रियायत अवधि का ब्याज ना लेना नुकसानदेह। अनलॉक 4.0 में कर्नाटक सरकार ने पब और रेस्तरा में शराब परोसने को दी अनुमति। तमिलनाडु के सर्वे में दावा, चेन्नई में हर 5 में से एक शख्स कोरोना संक्रमित। करोड़ों के वितरण प्रणाली घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का फ्रांस ने किया समर्थन। रेलवे के इतिहास में पहली बार CEO का पद सृजित, VK यादव को मिली जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने कहा कि COVID-19 के कारण बंगाल में 75% अभ्यर्थी नहीं दे सके JEE की परीक्षा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला कारोबारी नरेश जैन को किया गिरफ्तार। 60% क्षमता के साथ उड़ानें संचालित कर सकेंगी एयरलाइंस, सरकार ने दी अनुमति। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानसून सत्र में TMC के अलावा सभी दल प्रश्नकाल हटाने पर राजी। ड्वेन जॉनसन और उनके परिवार ने कोरोना को दी मात, करीब 2 हफ्ते पहले हुए थे संक्रमित। 13 दिन के अंदर दिलीप कुमार के एक और भाई का भी हुआ निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस। बबीता फोगाट ने कहा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम खिलाड़ी के नाम पर रखा जाए। शटलर PV सिंधु का बड़ा फैसला, थॉमस और उबर कप से वापस लिया नाम। आर्सेनल ने जीता कम्युनिटी शील्ड का खिताब, लिवरपूल को पेनल्टी शूटआउट में हराया। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने ली 2 लोगों की जान, 8 लोग लापता। पाकिस्तान फिर परास्त, सुरक्षा परिषद में 2 भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की मांग खारिज। पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया को देश से जाने को कहा, नेताओं पर लगाए थे दुष्कर्म के आरोप। चीन में कब्र से मिली 2000 साल पुरानी पांडुलिपियां मानव शरीर के बारे में देती है जानकारियां। फ्रांस की व्यंग पत्रिका ने फिर छापा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून।